क्या हाल है भाई सभी के। तो भाई ये है मेरे पास में आईफोन 15 और आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ भाई मैं सब पूरा डिटेल में कैमरा टेस्ट, हर एक चीज़ को परफॉर्म करेंगे, 4K 60 FPS, पोर्ट्रेट मोड, सिनेमैटिक मोड, सब कुछ भाई ट्राई करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि इतनी भरी धूप के अंदर भाई आपके लिए वीडियो आ रही है। शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो। मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले शूट करते हैं इस वीडियो को एट 4K 30 FPS पे। ये जो आप इस टाइम देख रहे हो वीडियो, ये शूट हो रही है भाई इसी आईफोन 15 का कैमरा से 4K 60 FPS पे। ओवरऑल जो स्टेबलाइजेशन है उसमें मेरे को कोई भी इशू नहीं है। आप देख रहे हो भाई, मतलब भरी दोपहर है भाई, इस टाइम टाइम अराउंड 1:30 बज रहा है। अब बहुत तेज़ धूप हो रही है, इसमें पसीना आ रहा है भाई बहुत हद तक। इसमें आप देखो, यहाँ पर मैं सन के पास में लेके जाता हूँ, ये भाई एक्सपोजर कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त है। मैं खुद शॉक हो गया भाई देख के कि इतना तखड़ा एक्सपोजर कंट्रोल दे रखा है, बहुत बढ़िया दे रखा है भाई। और ये जो वीडियो है ये शूट हो रही है इसके 4K 30 FPS पे सिनेमैटिक कैमरा से। तो इसका क्वालिटी देख सकते हो, ओवरऑल जो यहाँ पे फोकस है, ओवरऑल जो ब्लर है पीछे का पोर्ट्रेट में वो भी ठीक है। एज डिटेक्शन को थोड़ा सा जहाँ पे मेरे हेयर्स हैं यहाँ पे थोड़ी सी एज डिटेक्शन में दिक्कत आ रही है। बाकी यहाँ पे आप देखो, मैं अपना थोड़ा सा मूवमेंट करता हूँ यहाँ पे, तो एज सच कोई भी इशू नहीं है। एज डिटेक्शन में भी ठीक ठाक कर रहा है। सन के पास लेके जाऊँ तो भी जो एक्सपोजर कंट्रोल है उसमें कोई भी दिक्कत आ नहीं रही है, ओवरऑल सब कुछ ठीक लग रहा है यहाँ पे। ये जो वीडियो है ये शूट हो रही है 1080p at 60 FPS पे। तो आप देख सकते हो, खैर यार आईफोन्स यूज़ करने के बाद में HD at 60 FPS पे तो कौन ही वीडियोस को शूट करेगा, हर बंदा भाई 4K 60 FPS पे ही शूट करता है। तो इसका भी स्टेबलाइजेशन कुछ ऐसे देख सकते हो। और भाई आईफोन्स में 60 FPS का तो कोई तोड़ है ही नहीं, इसका मैं तो कुछ भी शक नहीं है भाई। एप्पल जो 60 FPS एप्पल के फ़ोन्स भाई जो मेरे को 60 FPS प्रोवाइड करता है ना, वो कोई सा भी फ़ोन नहीं करता भाई। ये वीडियो शूट हो रही है इसके 4K 60 FPS पे बैक कैमरा से 48 MP के लेंस से। तो आप भाई देख सकते हो उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है, मेरे हिसाब से ठीक ही होगी क्योंकि बैक से मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं भाई एडिटिंग करते वक्त देखूंगा कि जब सेल्फी कैमरा से इतनी अच्छी थी तो भाई बैक कैमरा से तो ऑब्वियसली अच्छी होने ही वाली है। ये वीडियो शूट हो रही है सिनेमैटिक मोड में बैक कैमरा से 48 MP वाले लेंस से। यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल फोकस वगैरह, ओवरऑल एच डिटेक्शन कैसी है। एडिटिंग करते वक्त भाई मैं भी चेक कर लूँगा, भाई बहुत तेज़ धूप हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं कैमरा भी थोड़ा सा नीचे को लेकर जाता हूँ, ऊपर को लेकर जाता हूँ। फोकस वगैरह मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक ही होगा जहाँ तक, अब आगे मैं देखूँगा यार, आप मेरे को नीचे बताना कमेंट सेक्शन में ओवरऑल कैसा आपको फोकस वगैरह लग रहा है यहाँ पर। भाई कैमरा वाली वीडियो शूट कर रहे थे, फोन के हालात टाइट हो गए, बहुत गर्म हो गया। और ये वीडियो शूट हो रही है भाई इसके वाइड एंगल कैमरा से, अल्ट्रा वाइड जहाँ पर कैमरा है 12 MP का। आप बताओ भाई कैसा लग रहा है ओवरऑल जो वाइड एंगल, तो भाई ठीक ही होता है एप्पल का, अराउंड 120-130 डिग्रीज के आसपास होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। और भाई फ़ोन के अंदर मिलता है हमको यहाँ पे 6x का जूम, तो भाई उसको भी ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ यार, वो जो वहाँ पे आपको टावर दिख रहा होगा 1x 2x एंड ये है भाई 6x। S23 Ultra से भाई मैंने एक फ़ोटो खींचा था, वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, इसी टावर का है जो सामने वाला आपको टावर दिख रहा है, इसी वाले का। देखना भाई कितना फ़र्क है भाई, 6x और 100x में ऑब्वियसली फ़र्क तो होगा ही। बाकी ऐसा है भाई इसका कुछ जूम इन कैमरा क्वालिटी वाइज ओवरऑल ठीक है भाई। तो ये भाई इसका सिनेमैटिक कैमरा आप चेकआउट कर सकते हो भाई, मैं फुल बॉडी के साथ में ये बता रहा हूँ आपको। मूवमेंट भाई मैं थोड़ा सा करता हूँ, यहाँ पे मून वॉकिंग हो रही है गाइस। तो ऐसा कुछ है भाई इसका सिनेमैटिक कैमरा, आप मेरे को बताना कैसा है, मैं भी इस टाइम एडिटिंग करते वक्त चेक करूँगा। तो भाई ये तो सारे ऑप्शन थे इसके वीडियो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के। अब भाई थोड़े से पोर्ट्रेट्स वगैरह में क्लिक करता हूँ, ओवरऑल जो 48 MP का कैमरा है उससे फोटोज़ को क्लिक करता हूँ, एंड देन मैं आपको दिखाता हूँ भाई आपकी स्क्रीन पर कि एक्चुअल में भाई फोटोज़ वगैरह कैसे आते हैं फ़ोन से। चलो भाई अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ थोड़ी सी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के बारे में, बिकॉज यार मेरे से एक भाई थे हमारे जो कि बार बार कमेंट कर रहे थे कि यार पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के बारे में ज़रा इन डेप्थ बताना। तो यहाँ पे भाई मैंने बहुत सारे फोटोज़ को क्लिक करे इसी फ़ोन के पोर्ट्रेट कैमरा इसी फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड से। तो देखो यार जो पोर्ट्रेट कैमरा है वो मेरे को ओवरऑल अच्छा लगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फोटो है भाई इसी फ़ोन से क्लिक हुआ है,
ये देखो कैमरा पर जो रिफ्लेक्शन है ना यार, प्लीज उसको इग्नोर करना थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख सकते हो यार, थोड़ी सी जो एज डिटेक्शन है वो भी मेरे को अच्छी लगी है। बाकी यार देखो जो यहाँ पे डिटेल्स हैं थोड़ी सी, जब हम जूम आउट करते हैं तो वो थोड़ी सी भाई दिक्कत में आया था, बिकॉज आप यहाँ पे देखो पिक्सल्स जो है भाई वो, बिकॉज यार यहाँ पे आप देख सकते हो जो पिक्सल्स है ना भाई वो यहाँ पे थोड़े से फट चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो थोड़ी सी डिटेल्स है ना भाई उनमें थोड़ा सा इशू है, बाकी मैंने बहुत सारे यहाँ पे फोटोज को क्लिक करे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी मेरे को तो भाई पसंद आई है फोन की। शार्पनेस जो है ना भाई उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, आप यहाँ पे देख सकते हो जब हम जूम करते हैं तो थोड़ा सा इशू हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, बाकी कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो भाई बहुत सारे फोटोज को मैंने यहाँ पे क्लिक करा है, तो मेरे को भाई पोर्ट्रेट मोड में भी इतना सा भी इशू देखने के लिए नहीं मिला इस फोन का। फोटोज मत देखना भाई, पता नहीं कैसे कैसे भाई फोटोग्राफर ने मेरे फोटो खींच दिए। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई जो यहाँ पे पॉश लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे भाई डिटेल्स थोड़ी सी कम हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी देखो डिटेल्स 300 वर्ड्स का जो ऐसे लिख देंगे ना भाई, उसके अंदर डिटेलिंग में पूरा लिख के देंगे। तो चलो भाई यही था इस फोन का पूरा डिटेल में कैमरा टेस्ट। मेरे को तो यार देखो जो फोन का कैमरा है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पसंद आया है, जो ओवरऑल डिटेल्स है, नॉइस को भी हद से ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, पोर्ट्रेट मोड, सिनेमैटिक मोड, और जो वीडियोज़ है 4K 60 FPS में भाई उसका तो तोड़ है ही नहीं यार। आप सैमसंग गैलेक्सी S22 Ultra के साथ में 15 को कंपैरिजन कर लेना, 4K 60 FPS की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप देख लेना भाई कितना कैपेबल यहाँ पे कैमरा परफॉर्मेंस हमको आईफोन्स प्रोवाइड करते हैं 4K 60 FPS में। वाइड एंगल पे भी आप 4K 60 FPS में वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो भाई। जो कैमरा है एक अनबीटेबल और एक डिसेंट कैमरा यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है इस फोन के अंदर। बाकी अब आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा आपको इस फोन का कैमरा, मेरे को तो यार अच्छा लगा। बाकी अगर और ज़्यादा फोटोज एंड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को नीचे इंस्टाग्राम आईडी दे रखिए, वहाँ पे DM कर देना भाई, मैं आपको बहुत सारे फोटोज एंड वीडियोस इसी फोन से क्लिक हुए फाइल फॉर्मेट में शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ पूरा का पूरा डिटेल में रिव्यू फोन का ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, जिसका भी लिंक आपको मैं आई कार्ड में प्रोवाइड कर दूंगा, और गेमिंग टेस्ट भी अपलोडेड है जिसका लिंक भी मैं आपको आई कार्ड में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको भाई जरूर आप देख लेना। तब तक के लिए भाई मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो, स्टे ट्यून्ड विद अस, क्योंकि यार ऐसी ऐसी वीडियोज हमारे यहाँ पे आती रहती है। चलो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।